तो बिटॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईसीएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। तो आज हम पहले कुछ ट्रांसफर अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला ट्रांसफर अपडेट है टर्नर सिंह को लेकर, जो कि चेन्नई एफसी की तरफ से इस बार खेल रहा था। इस सीजन में इनका मेन पोजीशन है लेफ्ट बैक, लेकिन इस बार चेन्नई एफसी में इनको ऊपर जगह में मौका नहीं मिला है और शायद उसके ही चलते वो चेन्नई एफसी से निकल रहा है। उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है मुंबई सिटी एफसी के लेफ्ट बैक पोजीशन पर इस बार सुभाषित बोस खेल रहा था, लेकिन सुभाषित बोस नेक्स्ट सीजन के लिए जा रहा है एटीके मोहन बगान में और उनके ही रिप्लेसमेंट में शायद टंडन सिंह आ रहा है मुंबई सिटी एफसी में। इसके बारे में जब 100% ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा मैं आपको एक और बार कंफर्म कर दूंगा। नेक्स्ट, इसके बाद मुंबई सिटी एफसी का ही डिफेंडर प्रतीक चौधरी शिफ्ट हो रहा है बेंगलुरु एफसी में। शायद इससे पहले भी मैं आपको ये अपडेट दे दिया है, लेकिन शायद मुझे याद नहीं था या मैं कन्फ्यूजन में था, इसीलिए मैं आपको एक और बार याद दिला रहा हूं कि मुंबई सिटी एफसी की तरफ से प्रतीक चौधरी नेक्स्ट सीजन नहीं खेलेगा। बेंगलुरु एफसी के साथ उनका एक डील साइन हो चुका है, ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, कुछ दिन के बाद जब ऑफिशियल हो जाएगा मैं आपको एक और बार बता दूंगा। नेक्स्ट, इसके बाद भी मुंबई सिटी एफसी का एक और डिफेंडर मोहम्मद रफीक जो जा रहा है ईस्ट बंगाल में, ईस्ट बंगाल की तरफ से भी इन्होंने पहले खेला है, बहुत दिनों से खेला है और फिर से कमबैक कर रहा है ईस्ट बंगाल में, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी में इनको शायद प्रॉपर मौका नहीं मिला था और ईस्ट बंगाल ने इनको ऑफर दिया था और शायद ऑफर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत जल्द ही हमें इसके बारे में भी पता चल जाएगा। सब कुछ प्रिपरेशन यहाँ पर ईस्ट बंगाल का आईएसएल के बारे में ही हो रहा है और एक बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि मैं आपको लास्ट में जाकर बताऊंगा ईस्ट बंगाल और आईएसएल से जुड़े। तो मोहम्मद रफीक मुंबई सिटी एफसी से जा रहा है ईस्ट बंगाल में नेक्स्ट सीजन आईएसएल में ही खेलने के लिए, लेकिन ईस्ट बंगाल के तरफ से। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एटीके मोहन बगान टीम से जुड़े। तो भाई जयसराय इस बार एटीके की तरफ से खेल रहा था और उनका कॉन्ट्रैक्ट एक और साल के लिए तो एटीके के साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन बाहर निकलने की सोच रहा था। रूमर्स भी आया था कि ईस्ट बंगाल और नॉर्थ यूनाइटेड एफसी जयसराय के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा था, लेकिन यहां पर भाई जयसराय एटीके की तरफ से नेक्स्ट सीजन में खेलना चाहता है, सॉरी एटीके मोहन बगान की तरफ से नेक्स्ट सीजन खेलना चाहता है, साथ साथ एटीके मोहन बगान भी उनके साथ इंटरेस्ट दिखा रहा है। जो डील उनके साथ पहले से ही हुआ है उस डील को तोड़ना नहीं चाह रहा है जयसराय और एटीके मोहन बगान। तो भाई ईस्ट बंगाल और नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में आप जाने का कोई सवाल नहीं है जयसराय का। नेक्स्ट सीजन आपको जयसराय एटीके मोहन बगान में ही देखने को मिल जाएगा। हालांकि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी भी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि ट्रांसफर फी यहां पर देना पड़ता था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी को, वो देने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद जयसराय ईस्ट बंगाल में जाने के लिए तैयार नहीं है और यहीं पर एक कंक्लूजन निकल के आया है कि नेक्स्ट सीजन भाई एक कहीं नहीं जा रहा है, एटीके मोहन बगान की तरफ से ही जयसराय नेक्स्ट सीजन खेलेगा। तो ये रहा आज के दिन में निकला हुआ कुछ ट्रांसफर अपडेट। अब चलिए हम कुछ स्पेशल अपडेट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ईस्ट बंगाल का आईएसएल में एंट्री को लेकर, गुजरात एफसी के बारे में हम बात करेंगे, कितना टीम आईएसएल में खेलने वाला है नेक्स्ट सीजन उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, साथ साथ कब से आईएसएल स्टार्ट हो सकता है नेक्स्ट सीजन वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, साथ साथ अपने दोस्त लोगों से भी शेयर करके बताइए कि भाई फुटबॉल न्यूज़ के लिए बेस्ट चैनल है, क्रिकेट न्यूज़ के लिए बेस्ट चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को वो भी ऑन कर ले, ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट अपडेट मिलता रहे इंडियन क्रिकेट, इंडियन फुटबॉल से जुड़े, आईएसएल से जुड़े, आईपीएल से जुड़े। तो इतना तो आप लोग कर सकते हो मेरे लिए, प्लीज़ यार कर दीजिए। तो चलिए हम न्यूज़ की तरफ अब बढ़ते हैं। तो भाई हम पहले बात कर लेते हैं ईस्ट बंगाल के आईएसएल के एंट्री को लेकर क्या अपडेट आया है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी पूरा चीज़ जितना भी चीज़ था फुटबॉल में, इंडियन फुटबॉल में, सब कुछ पोस्टपोन में चल रहा है। तो ईस्ट बंगाल का जो आईएसएल की एंट्री है उसका भी अनाउंसमेंट थोड़ा बहुत डिले हो सकता है कोरोना वायरस के चलते ही, क्योंकि FSDL ने अभी बीट को पोस्टपोन कर दिया है। अभी ऑफिशियल कुछ घोषणा नहीं होगा ईस्ट बंगाल के तरफ से भी और FSDL के तरफ से भी, और थोड़ा बहुत हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर ईस्ट बंगाल को थोड़ा बहुत और टाइम मिल जाएगा अपने स्पॉन्सर को ठीक ठाक मेंटेन करने के लिए, साथ साथ FSDL को भी मौका मिल जाएगा ठीक ठाक सोचने के लिए इस बारे में। तो अब हम लोगों को फिर से और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में घोषणा हो सकता है, मार्च के लास्ट वीक में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी आने वाला है। तो भाई कुछ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिले होगा इस मामले में, इतना ही अपडेट हमें मिल रहा है। नेक्स्ट चलिए हम बात कर लेते हैं क्या गुजरात से कोई टीम आने वाला है आईएसएल में नेक्स्ट सीजन में उसके बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि अभिषेक बच्चन और विता धानी एक नया टीम बनाने वाला है, चेन्नई एफसी को वो छोड़ने वाला है और गुजरात से एक नया टीम वो तैयार करेगा।
तो पूरा मामला कुछ ऐसा था कि अभिषेक बच्चन और वीता धानी का जो शेयर था वो खरीदने वाला था चेन्नई सिटी एफसी, जो कि आई लीग का क्लब है, लेकिन चेन्नई सिटी एफसी और नहीं कर पा रहा है। इस बार इन दोनों का जो शेयर थे वो खरीदने में अभी सक्षम नहीं है चेन्नई सिटी एफसी, और इसीलिए नेक्स्ट सीजन में अभिषेक बच्चन और वीता धानी ही चेन्नई एफसी के साथ जुड़ा रहेगा और चेन्नई एफसी ही खेलेगा अकेला। यहां पर कोई मार्ज हमें नहीं देखने को मिलेगा चेन्नई सिटी एफसी और चेन्नई एफसी के बीच, यानी कि चेन्नई सिटी एफसी नहीं आएगा आईएसएल में, चेन्नई एफसी ही खेलने वाला है नेक्स्ट सीजन आईएसएल में, और गुजरात एफसी या अहमदाबाद एफसी ऐसा कोई टीम भी नहीं आएगा। अब लोग नेक्स्ट सीजन के लिए ये अपने दिमाग से निकल दीजिए कि गुजरात से कोई टीम आने वाला है, उसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं है। जब भी इसके बारे में कुछ नया अपडेट आएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन जितना अपडेट था और जितना बात था मैंने आपको क्लियर करके बता दिया इस चीज़ के बारे में। तो इस अपडेट के बाद हमें यह अब क्लियर पता चल रहा है कि नेक्स्ट सीजन आईएसएल में कितना टीम खेलने वाला है। तो टोटल 11 टीम ही खेलेगा। एफएसडीएल सिर्फ ईस्ट बंगाल के लिए ही बिड ओपन कराया गया, यहाँ पर ना आएगा गुजरात एफसी, ना आएगा चर्चिल ब्रदर्स, ना आएगा पंजाब एफसी, सिर्फ ईस्ट बंगाल का ही एंट्री होगा आईएसएल सीजन 7 में, यानी कि टोटल 11 टीम आईएसएल सीजन 7 में आपको देखने को मिलेगा। एटीके मोहन बगान मार्च होकर एक टीम, तो टोटल यहाँ पर 10 टीम हो रहा है, और एक टीम एंट्री करेगा ईस्ट बंगाल, तो टोटल 11 टीम आपको आईएसएल सीजन 7 में देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से क्लियर है और कंफर्म है। नेक्स्ट अब लोग एक और चीज मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे बार बार, भाई कब से आईएसएल 7 स्टार्ट होगा। तो भाई इसके बारे में अपडेट नहीं आया है, तो मैं आपको क्या बनाकर अपडेट बताऊं या बनाकर न्यूज दूं, मैं वैसा करने वाला नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के रिक्वेस्ट के चलते मैं आपको बता रहा हूं मेरा जो पर्सनल राय है इस चीज के बारे में। तो आईएसएल सीजन 6 स्टार्ट हुआ था 2019 के 20 अक्टूबर में, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि फास्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है, अक्टूबर के 2020 के फास्ट वीक में आईएसएल 7 स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए 11 टीम आ रहा है, एक टीम तीन मैच खेलने वाला है इस बार, तो उसके ही चलते एक दिन में आपको दो या तीन मैच दिखाई देगा, तो थोड़ा बहुत तो पहले स्टार्ट करना ही पड़ेगा इस बार के सीजन को। तो अक्टूबर के फास्ट वीक में आईएसएल सीजन 7 स्टार्ट हो सकता है, अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा तो। कोरोना वायरस अभी भी ज़्यादा स्प्रेड होने लगा इंडिया में, तो भाई बहुत देर भी हो सकता है इसके चलते इसको संभालने के लिए, लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल चला तो भाई अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आईएसएल सीजन 7 स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ, थोड़ा रुकिए, थोड़ा बड़ा हो रहा है वीडियो, लेकिन रुकिए रुकिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज कम्युनिटी टैब पर मैंने एक पोस्ट डाला था, मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो वर्ल्ड का जितना भी फुटबॉल लीग है, जैसे कि ला लीगा, प्रीमियर लीग, उसके बाद सीरी ए, तो आपका कौन सा टीम फेवरेट है और कौन सा लीग फेवरेट है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से रेस्पॉन्ड किया है। नेक्स्ट एक और मैं पोल डालने वाला हूँ, आपको सिर्फ वोट करना है लीग के बारे में और टीमों के बारे में, तो वहाँ पर भी अच्छे से एक रेस्पॉन्स देना, बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है हमारे चैनल में, बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ आने वाला है। आप लोग थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर उस पोल में वोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बस वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ, फिलहाल के लिए इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।